नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनुजा और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। वक्त हो गया सुबह की ताजा खबरों का। शुरुआत करते हैं ऊधमसिंह नगर से। ऊधमसिंह नगर जिले का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक क्षेत्र का नामांकन स्वर्गीय तिवारी के नाम से करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर कल शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास अनियंत्रित होकर नोएडा के यात्रियों की कार अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अगले माह केदारनाथ धाम में प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पुलिस तैयारियों में जुट गई है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी अशोक कुमार भी केदारनाथ धाम पहुंचे। राजधानी दिल्ली में आज से प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर तैनात है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके चलते मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज प्रदेश भर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। केरल में शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। दो पहाड़ी जिले कोटायम और इडुक्की सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोटायम में सबसे ज्यादा 11 लोगों की मौत हुई और कई घर बाढ़ में बह गए हैं। नैनीताल में सोमवार को भी रविवार की तरह ही पर्यटकों की आवाजाही रही। कई बार शहर में जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि कई चौराहों पर पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी रही, लेकिन पर्यटकों की भीड़ के सामने यह व्यवस्था असफल नजर आई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने दावा किया है कि जल्द ही भाजपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं खोले, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 3 गढ़वाल मंडल के जबकि 3 कुमाऊं मंडल के होंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में तेज बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके चलते रोहतांग दर्रे में एक बार फिर बर्फ की चादर बिछ गई है। जहां सरचू में ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण एक पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि कुंजुम दर्रे से 7 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में डेंगू बुखार से 22 लोगों की मौत हो गई है। एटा और मैनपुरी आगरा में हालत खराब है, साथ ही फिरोजाबाद के प्रधान की मौत हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।